भाईंदर वेस्ट का अवैध संडे मार्केट आजकल पूरे जोरों पर है। भाईंदर वेस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज जो मुख्य सड़क है वहां पर हॉकर्स ने फिर से मार्केट लगाना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैफिक जाम हो रहा है और चलने वालों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। अपने फायदे के लिए कुछ नगर सेवक, हॉकर दस्ते, कनिष्ठ अभियंता और वार्ड अधिकारी इस मार्केट पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। वास्तव में यह मुख्य सड़क और इस सड़क पर एसटी एमबीएमटी बेस्ड बसों के साथ साथ रिक्शा, दोपहिया और चार पहिया वाहनों की काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है और रविवार के दिन यहां पर इस कदर भीड़ होती है कि अगर वहां से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहन निकालना पड़े तो वहां काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और हो भी रही हैं। स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूँ नगमा खान। मन से इस तरह के जो काम करी वो बहुत अच्छे काम करी, और दूसरे भी जो भी दूसरी पार्टी के नेता हैं जो आज पद पर भी है और सत्ता में है, जो वो शायद कहीं ना कहीं ऐसी हो रही है कि वो अपने कान पर जू भी नहीं रेंग रही, और इस तरह के जो रोज मन से लेके आ रही है या खुद कर्मचारी हैं सफ़र कर रहे हैं, जैसे चाहे फिर वो दिव्यांग लोगों का किस्सा हो, चाहे फिर वो अपने ब्लाइंड होते उनका किस्सा हो, ये सारी चीज़ें नगरपालिका में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इस पर सुनवाई होने के नाम पर सिर्फ धक्के पे धक्के दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज जिस तरीके से संदीप राणे जी आए, और वो आते ही रहते हैं कोई ना कोई मुद्दा लेकर लोगों का, इस तरीके से आज जो नगर पालिका के को घेर के रखा था इन लोगों ने सारे कर्मचारियों से, तो इस तरीके के जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये आगे से अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी सोचे तो ये कभी भी ये इन लोगों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जो आज ये सफ़र कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसकी सबके घर में चूल्हे हैं, उनको ज़रूरत होगी। चले मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया। स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। 2 मार्च सोमवार के दिन जय भीमनगर काशीगांव में लोगों द्वारा उनके घरों को न तोड़ने का स्टे लाने के बावजूद भी वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत ने 25 से 30 घरों पर कार्रवाई कर सभी घरों को तोड़ दिया है। आप इसे क्रूरता कहे या दादागिरी, पर सच यही है कि मीरा भाईंदर की इस कदर गर्म राजनीति के चलते नेताओं को सिर्फ अपनी गद्दी की ही पड़ी है। आइए जानते हैं क्या यह है पूरा मामला। मेरा सर घर तोड़ दिया है, मैं कहाँ रहूँगा जी, बताइए क्या समस्या है। यहाँ ऐसा है कि हम लोग 5-6 साल से यहीं रह रहे हैं और यहाँ पे हमेशा नगर पालिका आती है बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के आके ये हमारे घर है सब तोड़ तोड़ के चले जाते हैं उन लोग। जैसे कि अभी हमने दिखाया कि कायनात में कितने लोग हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा ओल्ड एज होम है उसमें किस तरीके से जो खिदमत होती है वो भी हमने आपको दिखाया, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कायनात वेलफेयर ट्रस्ट की जो प्रेसिडेंट है ज़ाहरा सैयद जी, उनसे ही बात कराते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उनके दिमाग में ये चीज़ आई और अभी वो आज जैसा आपने देखा कि इतने सारे जो भी बुज़ुर्ग हैं वो सारे लोग ज़ाहरा जी को दुआएँ दे रहे थे। तो आइए जानते हैं कि ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ और अभी वो आगे किस तरीके से अपने जिस तरह से परेशानी आई लॉकडाउन में और किस तरीके से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और कैसे वो करे, क्योंकि पहले हमने रूबरू में जब ये पहला वीडियो दिखाया था तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन अभी तो माशाल्लाह इतने लोग हो गए हैं उनके और इतनी सारे वो कहां कहां से लेके आई हैं लोगों को जैसे हमने अभी बताया। तो चलिए बात करते हैं हम ज़ाहरा जी से। ज़ाहरा जी रूबरू में स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आप आए। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे इतने सारे हमने अभी लोगों से इंटरव्यू लिए, जितने भी बुजुर्ग आए और कहाँ कहाँ से आए, सभी लोग आपको काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं और बहुत दुआएं भी दे रहे हैं, तो ये बताइए कि अभी जिस तरीके से अभी ये आपने ये किस तरीके से सोचा, और दूसरा ये कि जो लॉकडाउन हुआ ये सफ़र जो इतना एक साल का निकला वो कैसे आपने मैनेज किया। देखिए बेशक ये तो मेरी औकात ही नहीं कि मैं ये चीज़ चला रही हूँ या जो भी है, ये तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम हो रहा है। यहाँ पर धर्म और जाति का तो भेदभाव हम नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें इंसानियत के लिए काम हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें वाकई ही ज़रूरत है एक माँ है, मतलब हमारे काफ़ी हमारे जो ओल्ड एज होम में कितने लोगों को तो औलाद ही नहीं, जिस कितनी की शादियाँ नहीं हुई है, हमारे पास 80% ऐसे हैं कि जिसके पास औलाद ही नहीं, किसी की शादी ही नहीं हुई है। मसला ऐसा है कि एक इंसानियत जो एक एज होने के बाद हमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ
कुछ करते हैं, उसके बाद कोई केयर करने वाला, कोई देखने वाला नहीं होता है, तो हम उनको रोड पर, एक मिडिल क्लास इंसान रोड पर रह नहीं सकता, उसके लिए भी कुछ अलग से हटकर काम होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें हटकर काम कर रहे हैं, एक सोशल एक्टिविटीज़। काफ़ी लॉकडाउन में हमें काफ़ी दिक्कतें, परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा, फिर भी कहीं ना कहीं बेशक हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे अल्लाह ताला हमारे बारे में सोचते हैं। हम एक हमारा घर नहीं चला सकते, ये सब कुछ चलाने के लिए कहीं ना कहीं मेरे गफुर रहीम की बोलते ना कुदरत है, हम बस कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे पेरेंट्स के जैसी हम इनकी खिदमत करें। मीरा रोड स्थित एक बिल्डिंग में 19 साल के युवक और बिल्डिंग के सुरक्षा गार्डों के बीच मामूली कहासुनी के बाद सुरक्षा गार्डों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। दोनों आरोपी फरार हो गए हैं और काशीमीरा पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मीरा रोड के सृष्टि सेक्टर 1 में हंस बिल्डिंग के पास शुक्रवार की आधी रात को लगभग 12:30 बजे ये घटना हुई। कुंभ भवन निवासी 19 वर्षीय अभिषेक सिंह आधी रात को बाहर से घर आया था। उस समय अभिषेक की सुरक्षा गार्ड सुभाष पांडे और अजीत तिवारी के साथ बहस हो गई और हाथापाई हो गई। पांडे और तिवारी ने अभिषेक को मारना शुरू कर दिया, तभी एक सुरक्षा गार्ड ने अभिषेक के पेट में चाकू मार दिया और तभी वह लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। यह देख पांडे और तिवारी वहां से भाग निकले। मीरा भेंदर मनपा में यूएलसी महाघोटाले में थाने क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं सबसे चालबाज वर्तमान में एमबीएमसी के नगर रचनाकार दिलीप घेवारे पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसे आज यानी शुक्रवार को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी दिलीप घेवारे पिछले कई हफ्तों से पुलिस और अदालत से आंख मिचौली खेल रहे थे, जिसपे आज थाने पुलिस ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार को तकरीबन 200 करोड़ का चूना लगाने वाले मुख्य आरोपी दिलीप घेवारे ने अपने वकील के माध्यम से कई बार गिरफ्तारी न करने के लिए अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की। यूएलसी महाघोटाले के मुख्य आरोपी दिलीप घेवारे के वकील के माध्यम से अदालत को यह भी दलील दी थी कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझे अगर गिरफ्तार करते हैं तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए। स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मीरा भेंदर की 3 खबरों को सराहने के लिए। आइए आज हम जानते हैं कि मीरा भेंदर की क्या है पहली खबर। अगर हमारे चैनल या हमारी खबरों के लिए आपकी कोई राय है तो हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और सुझाव भी ज़रूर लिखें। हम यही चाहते हैं कि आपको हमेशा सच से रूबरू। और मेरा नंबर था 231 और मुझे टोकन मिला 250 का, तो बीच का 19 नंबर कहाँ गए? 19 नंबर की कूपन कहाँ है? और सुबह को सब लोग लाइन में लगे हैं, 4 बजे से लाइन में लगे और सबको 300 नंबर ये करके बोल के सबका नाम लिया, सबका नाम लेके नंबर भी दिया सबको और बोला कि 10 बजे आके टोकन ले लो ये नंबर के हिसाब से। सब लोग आया 10 बजे लाइन में खड़े हैं और वापस वही लिस्ट सबको रिवाइव किया और हम लोग सब खड़े। सुबह को जब नंबर मिला मुझे 288 मिला, मेरे पीछे ये खड़े हैं उनको डायरेक्टली 299 मिला नंबर। अच्छा 11 नंबर गायब हो गया, टोकन मिला नहीं, टोकन अभी तक नहीं मिला। टोकन 276 आज हम बात करेंगे जो काशीमीरा में जयनगर है, जहां पर 300 से ज्यादा जो घर थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है 28 अगस्त के दिन, और तब से अभी तक आज 10 दिन हो गए हैं और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी वो निकाल रहे हैं या आप खुद समझ सकते हैं। कहीं एनजीओ से या कोई आसपास के लोग उन्हें खाना दे रहे हैं, इस तरह से टाइम वक्त निकल रहा है और नेता वहां पर आ रहे हैं सारी पार्टियों के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं। और जब ये सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां के लोगों का कहना है कि हमें वहां पर जो नोटिस नहीं दी गई थी और ये जो नगर पालिका की थोड़ा कार्रवाई थी उसमें कम से कम हर कब्जे पर 3 से 4 जो कार नोटिस दी जाती है वो ये होती है कि नोटिस पहले 3 से 4 दी जाती है, उसके बाद थोड़ा कार्रवाई की जाती है। देखिए क्या वो सारे लोग जो जितने 300 से ज्यादा घर थे वो सब लोगों ने कब्जा किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पर एक डेवलपर है, उन्होंने ये सारी जो चौले बनाई थी यहाँ पर और उसको बेचा गया था इन गरीबों को।
मीरा भाईंदर नगर पालिका के जब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक खांबीत पर 29 सितंबर के दिन बोरीवली में नेशनल पार्क के पास हमला होने से लेकर अब तक यानी कि पिछले दो हफ्तों से काफी गर्म हवा चल रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है दीपक खांबीत, फिर उसके बाद बात करेंगे कि उन पर हमला क्यों और किसने करवाया। दीपक खांबीत जो कई सालों से एक ही विभाग में कार्यकारी अभियंता थे, जिन्हें अभी कुछ महीने पहले ही कई नगर सेवकों की शिकायतों पर जल विभाग में तबादला हुआ है, वह अपने पद पर काम नहीं करके पहले जहां पर थे वहीं पर वही काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दीपक खांबीत के बारे में बहुत सी खबरें हैं जो हम आपको समय आने पर बताते रहेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर में टेंडर का माया जाल इन्हीं श्रीमान के जरिए पूरा होता है, लेकिन फिलहाल हम उनके ऊपर हुए हमले की बात कर रहे हैं। मीरा भाईंदर नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मारुति गायकवाड़ उपायुक्त मीरा भाईंदर नगर पालिका के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों के अनधिकृत फेरी वालों का सर्वेक्षण किया था। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी वार्ड अधिकारियों को उनके वार्डों में अनधिकृत फेरी वालों, बिना लाइसेंस टप्पर और अनधिकृत लेटर शेड के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी प्रकार वार्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वार्ड में अनधिकृत पेडलरों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी फेरी वालों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनकी अनदेखी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसी के तहत 12 नवंबर 2021 को शाम 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मीरा भाईंदर नगर आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ की मौजूदगी में सिल्वर पार्क जागीर सर्कल से बालाजी होटल शांति पार्क क्षेत्र में 156 फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथों पर अवैध रूप से बेचने वाले पैडलर्स, बिना लाइसेंस के स्टॉलों और पैडलर्स पर जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही प्लास्टिक बैग रखने वाले फेरी वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाए गए लेटर शेड और बांस के शेडों पर नकेल कसकर दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया। आपको लगता है कि आप लोगों को फोन करोगे डराओगे तो लोग डर जाएंगे? मुझे फोन करो ना, डराना है ना, मुझे फोन करके डराओ, ठीक है ना, धमकियां देना है ना, अपनी ताकत दिखानी मुझे दिखाओ। किसी मजलूम जो लग आपसे, आपको लगता है कि सामने वाला कमजोर, उसको फोन करके आप धमकी देते हो, उसको आप कमजोर समझते हो। आपने सुना कि सादिक ने क्या कहा, किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, और उन्होंने बिल्कुल से कहा है कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं और आवाज इस तरीके की उठाता रहूंगा।